everyone, welcome to my channel. In this video I'm going to discuss the chapter number 3, exercise 3.3, third question and the first part. So is question ko solve karne ke liye hame bola gaya ki ise aap substitution method se solve kijiye. सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए मैंने अपने पहले जो इसके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. आप उन वीडियोस को विज़िट कर सकते हैं ताकि आपको ये जो सम है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए. सो लेट्स बिगिन. इस सम को सॉल्व करने के लिए हमें कहा गया है, सबसे पहले क्या हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे. तो हमें बोला गया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. कहा गया कि जो ये प्रॉब्लम नीचे गिवन है, ये फर्स्ट पार्ट है ना, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमें गिवन है, इससे उन्होंने बोला कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. एक लीनियर इक्वेशन का पेयर आप फॉर्म कीजिए एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. और इसके सॉल्यूशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. दैट्स वाई अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड विजिट टू माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो. आई हैव गिवन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो फर्स्ट सम को सॉल्व करते हैं. इसके लिए हमें बोला गया कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. कहा है कि दो नंबर है उनका डिफरेंस जो है 26. डिफरेंस मतलब होता है, जैसे मैं आपको कहूँ कि एक नंबर है 5, ये टू नंबर्स कहा गया ना. तो लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि एक हमारे पास जो नंबर है वो मैं मान लेती हूँ कि 5 है और दूसरा नंबर मैं मान लेती हूँ कि 10 है. अगर मैं बोलूँ कि 5 और 10 के बीच का डिफरेंस मुझे बताइए, तो आप क्या करेंगे? सिंपली यू कैन डू इट एज 10 माइनस 5, इट विल गिव यू 5. सो आप मुझे बता सकते हैं 10 और 5 में क्या डिफरेंस होता है? 5. कैसे बताया आपने कि 10 में से 5 को माइनस किया. अगर बोलूँ एक नंबर 3 है और एक 5 है, आप बताइए 5 और 3 में कितना डिफरेंस होता है? सो 5 माइनस 3 कर देंगे तो 2, मतलब कि 5 और 3 में 2 का डिफरेंस होता है. इस सेम ये सिचुएशन यहाँ पर है. उन्होंने कहा कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. सो टू नंबर्स, हमें नंबर्स तो पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली एक नंबर को लेट सपोज करूँगी कि एक्स है और दूसरा नंबर जो है उसे वाई से डिनोट करूँगी. सो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स एंड लेट सेकेंड नंबर इक्वल टू वाई. क्लियर? फर्स्ट नंबर को एक्स और सेकेंड नंबर को वाई कह दिया. तो उन्होंने फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, ये आप देखिए, यहाँ पर लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. सो दो नंबर तो मैंने इसलिए यहाँ पर देख लिया कि कौन से हो सकते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. सो दो नंबर तो ये हैं, इनके बीच का डिफरेंस यानी कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26. क्लियर? इसको मैं करूँगी इक्वेशन नंबर 1. क्लियर? नेक्स्ट बोला है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. बोला गया है द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. 3 टाइम्स का मतलब होता है कि मल्टीप्लाइड बाय 3. तो एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना है. तो मैं क्या करूँगी, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो एक नंबर है दूसरे का 3 गुना है, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि 3 टाइम्स इज 3 टाइम्स अदर. सो मैं मान लेती हूँ कि ये जो है एक्स है इज इक्वल टू 3 वाई. क्लियर? बिकॉज वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर. ये जो वाई है, अगर मैं एक्स की मान लो कोई भी एक वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू के इक्वल में तभी आएगी जब वो मैं वाई को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, बिकॉज वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर. क्लियर? ये इक्वेशन हो गई सेकेंड. अभी आप देखिए कि इस इक्वेशन मेरे पास एक्स की वैल्यू तो है ना, एक्स इज इक्वल टू 3 वाई.
अगर ये 3y को मैं इस वाले वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर, यहाँ पर भी x है, ये भी x है, ये x की वैल्यू x इक्वल टू 3y, इसको मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूँगी। सो देखिए, सब्सटीट्यूट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज़ आर इक्वेशन नंबर 1? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यहाँ पर आप देखिए कि x की वैल्यू क्या है, 3y। सो यहाँ पर मैं x की जगह पर 3y लिख दूंगी, माइनस वाई इक्वल टू 26, ये वाला ऐसे, क्लियर। अभी क्या करना है, 3y माइनस वाई, 3y में से y गए तो कितना बचा, 2y इक्वल टू 26। अभी y क्या आएगा, 26 डिवाइडेड बाई, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिनोमिनेटर में डिवाइड है, सो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 13। मतलब मुझे यहाँ से ये पता चला कि ये जो y है, जो मैंने सेकंड नंबर लिया था, वो क्या है, 13, क्लियर। अभी मैं y की वैल्यू मेरे पास 13 है, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में y की जगह पर 13 पुट कर दूँ, 13 को 13 मल्टीप्लाई 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी, यस ऑफ कोर्स। सो मैं क्या करूँगी, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, देखिए मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, x इज इक्वल टू 3y, एंड y की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई वाई, यहाँ पर 13, 13 3 39, क्लियर। सो यहाँ पर मेरे पास y की x की भी वैल्यू आ गई, क्या आई, 39। सो यहाँ पर आप देखिए कि दो नंबर हमने लेट किए थे ना, लेट द फर्स्ट नंबर इज़ x एंड सेकंड नंबर इज़ y। सो यहाँ पर x क्या आ गया, 39, एंड y क्या आ गया, 13। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों नंबर है, ये इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए x की जगह x क्या वाली है, x यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। अभी आप देखिए x मेरे पास कितना है, 39, यहाँ पर मैं लिख दूँगी 39, माइनस y क्या है, 13, यहाँ पर मैं लिख दूँगी 13। यहाँ पर खुद ही आप देखिए 39 में से 13 माइनस किए तो 26 ही आता है, ठीक है। सो इससे मुझे पता चला कि ये जो मेरी इक्वेशन 1 है, ये इससे सेटिस्फाई हो रही है। एंड नेक्स्ट क्या इक्वेशन नंबर 2 मैंने बनाई थी, वो क्या बनाई थी, x इज इक्वल टू 3y। अभी आप देखिए x क्या है, 39 है, ठीक है। अभी यहाँ पर 3 है, अभी 3 और y की वैल्यू क्या है, 13। जब भी मैं 13 को, ये जो 13 है ना, 13 को मैं यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 39 ही आएगा, ये देखिए 13 3 39 इक्वल टू 39, क्लियर। यहाँ पर भी 26 इक्वल टू 26। सो आप देखिए ये जो दोनों के दोनों इक्वेशंस हैं, ये वैल्यूज़ हैं, इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यही हमसे इक्वेशन में पूछा गया था कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स आर द, फाइंड दैम। उन्होंने बोला था कि दो नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है, एक जो 3 टाइम्स है दूसरे का, तो उनको फाइंड कीजिए। बस यहाँ पर हमें दो नंबर्स ही फाइंड करने थे, वो तो मैंने आपको पहले ही करके बता दिया। आपको मैंने ये जस्ट इसलिए बताया कि आपको पता चल जाए कि आपका जो आंसर है वो इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट है। सो यू कैन चेक योर आंसर्स बाय दिस मेथड, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक टू माई चैनल। थैंक यू।